नमस्कार दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हे गाइस, फाइनली यार 10 साल बाद गरेना ने अपना 6th एनिवर्सरी का इवेंट अपने इंडियन सर्वर में दे दिया है। कैसे आप लोग इस इवेंट को बहुत ही ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, वो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। गैदर फॉर द प्राइज इवेंट, जिसके अंदर से हमें डायमंड मिलने वाले है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको डेली रिवॉर्ड वाले सेक्शन को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टोटल 7 दिनों तक लॉग इन रिवॉर्ड। आज आपको म्यूजिक की सीरीज मिलेगी, कल आपको पेट फूड मिलेगा, ऐसे ऐसे करके जब आप लोग 7वें दिन लॉग इन करोगे ना, तो आपको मिलेगी एक चमचमाती बहुत ही मस्त सी बाइक की स्किन। टोटली गाइस, इस इवेंट में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस डेली आके चेक इन करना है और रिवॉर्ड को ले लेना है। फिर इसके नीचे देखो हेट रिले है, जो की आपका ये ओपन नहीं होता होगा, लेकिन यार तुम्हारा भाई है तो मुमकिन है। ठीक है, देखो मैं इसे तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ। टेंशन मत लो, जैसे मेरा इवेंट ओपन हुआ है ना, आपका भी ओपन होगा, लेकिन आने वाले 4 दिनों बाद। इवेंट के अंदर से आपको एक मस्त सी 6th एनिवर्सरी की हेलमेट की स्किन मिलेगी, जिसे लेने के लिए टोटल यहाँ पे 2 मेथड है। पहली मेथड ये है कि आपको उस दोस्तों के साथ गेम खेलना है, ठीक है, जिसके आईडी के ऊपर हेड का आइकन हो। दूसरी मेथड ये है कि जब भी आप लोग गेम खेल के बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि आपको डायरेक्ट मिल जाए। बाकी गाइस, इस इवेंट में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, सिंपल से ट्रिक वगैरह का यूज करना है। फिर यहाँ पे आप लोग साइड में कलर फोन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्राफ्ट लैंड मोड के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कलर फोन मोड देखने को मिलेगा और फिस्ट फाइट मोड देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग खेल सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर गाइस बैक आ जाना है और यहाँ पे तुम्हें बीच में ग्रेफिटी के ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड में देखो बहुत सारे क्रेट देखने को मिलेंगे, सभी क्रेट के अंदर बहुत ही मस्त मस्त से रिवॉर्ड हो गए। सभी क्रेट को इग्नोर करो, यहाँ पे देखो, ठीक है, तुम्हें एक गोल्डन कलर का क्रेट देखने को मिलता होगा। इसी क्रेट के अंदर से तुम्हें मिलेगा अपना इलाइट आलोक का बंडल, जो की भाई सबसे बढ़िया बेस्ट रिवॉर्ड है। लास्ट में भी एक क्रेट है, जिसके अंदर से तुम्हें डायमंड का वाउचर, पेड फूड और कुछ नॉर्मल से रिवॉर्ड मिलेंगे। अब इन सारे क्रेट को कैसे लेना है, कैसे इसे ओपन करना है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। हर क्रेट के साइड में देखो, यहाँ पे तुम्हें हर क्रेट का लेवल देखने को मिलता होगा। आपका लेवल कितना है वो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो मेरा तो यहाँ पे टोटल 4 लेवल का है, यानी गाइस आप लोग लेवल को इंक्रीज करते जाओगे ना, तो ये क्रेट ओपन होते जाएंगे। लेवल कैसे बढ़ेगा, सिंपल से ट्रिक, में क्या करना है, क्लैश कोड खेलना है या फिर क्लासिक मैच खेलना है। यहाँ पे देखो गाइस, जब आप लोग कोई भी मैच वगैरह खेल के बाहर आओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा अपना एक लेवल अप का प्रोग्रेस बार। मैंने सिर्फ एक क्लैश कोड खेला और मेरा कलर पावर, ठीक है, डायरेक्ट भाई 4 लेवल का हो गया। तो बस गाइस, तुम्हें सिर्फ गेम्स खेलना है और गेम्स खेलने के बदले में तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होते जाएंगे ना, आपका जो सारे क्रेट है ना, वो ओपन होते जाएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे तुम्हें बोनस का टास्क भी मिलता है, जिसे भी कंप्लीट करके लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। फिर बैक आ जाओ, यहाँ पे रैंक प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करो। नीचे यहाँ पे तुम्हें टोटल 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला अपना किसी भी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग चाहो तो टाइम पास के लिए इसे ओपन करके चेक वगैरह कर सकते हो। फ्री में डायमंड को लेने के लिए गैदर फॉर प्राइस के ऊपर क्लिक करो। बहुत ही सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आएगा कि इवेंट ओपन नहीं होगा। अब ये एक बग है और ये बग कब फिक्स होगा, उसकी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर, यहाँ पे मुझे भी किसी और की क्लिप को यूज करना पड़ा है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे ना गाइस, आप लोग जैसे इवेंट में एंटर करोगे ना, ये जो प्रोग्रेस बार है ना, ठीक है गाइस, वो 17 लेवल तक या फिर 16 लेवल तक हो जाएगा। अगर आप लोग प्रोग्रेस बार को पूरा कम्प्लीट कर देते हो, पूरा फुल कर देते हो, तो आपको डायमंड का क्रेट मिल जाएगा। लेकिन ये जो
रहना है ना, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये आपको एक ही क्रेट एक ही बार देगा। प्रोग्रेस बार को फुल करने के लिए आपको अपने दोस्त की हेल्प लेनी चाहिए या फिर आप अपने दोस्त को हेल्प भी कर सकते हो। आप गाइस जितने ज्यादा फ्रेंड की हेल्प करोगे या फिर हेल्प लोगे ना, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो प्रोग्रेस बार है ना वो फुल हो जाएगा। बाकी गाइस डायमंड के क्रेट के सिवा यहाँ पे कुछ और भी रिवॉर्ड्स वगैरह तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा फालतू है। फिर गाइस पूरे बैक आ जाओ, इसके बाद कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे अपना जो डीजे आलोक है ना, ठीक है, उसे चूज करो। अब गाइस आप लोग अपना जो डीजे आलोक है ना, ठीक है, उससे इलाइट आलोक बना सकते हो। इलाइट आलोक बनाने के लिए अवेकन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें, ठीक है गाइस, डेली बहुत ही सारे मिशन वगैरह मिलने वाले है। मिशन को कम्प्लीट करो, उसके बदले में तुम्हें अवेकन टोकन मिलेंगे और इसी का यूज करके अपने नॉर्मल आलोक को अवेकन आलोक बना पाओगे। बाकी गाइस अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना, इसका आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा। फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। कौन सा इवो बंडल कब रिटर्न में आएगा वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।